भाजपा नेता सब पूर्व जिला परिषद सदस्य हीरामन नायक के नेतृत्व में सोमवार को आशीर्वाद पदयात्रा निकालकर खरियो पंचायत के विभिन्न टोला का भ्रमण किया गया। इस दौरान श्री नायक के द्वारा बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न तरह के जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, इसे हर घर तक पहुँचाना है, इसका लाभ सभी को मिले, जिसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह आशीर्वाद यात्रा तोपचांची प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में होते हुए सिलसिलेवार टुंडी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले तक जाएगी। मौके पर गोमो मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष सोनी देवी, महामंत्री सत्यनारायण बर्नवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष जय नारायण महतो, मनोज गोस्वामी, सचिन शर्मा, वरुण दत्ता, नाटुदा, घनश्याम साव, रोहिणी देवी, अंबिका देवी, शोभा देवी, सोनिया देवी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं। क्या कार्यक्रम था आज के कार्यक्रम था कि खरियो पंचायत में टुंडी विधानसभा क्षेत्र में खरियो पंचायत में पद आशीर्वाद यात्रा थे। अच्छा। कि जनता के बताने आए थे कि आज केंद्र सरकार क्या जनता को फायदा दिया है, महिलाओं को क्या दिया है, इसके लिए हम जनता के आशीर्वाद यात्रा पद यात्रा में किए हैं। और ये कब तक चलेगा? ये अभी 5 तारीख को है, रामाकुंडा है, मैंने बीच बीच में होते रहेंगे। कहाँ तक ये पदयात्रा होगी? क्या बात है, देखिए जहाँ भी होगा हम करते जाए, बात नहीं करें जहाँ हो पूरी, करते पूरी टुंडी विधानसभा क्षेत्र में, टुंडी ना 28 पंचायत भी करेंगे, उसके बाद देखा जाए टुंडी भी जो लेंगे उसके बाद हम करते रहेंगे 28 पंचायत, जहाँ जहाँ जनता की डिमांड होगा वहाँ करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये कि हम जनता को बताने आए हैं कि सरकार क्या कर रहे हैं, योजना क्या क्या दिए हैं, महिलाओं लोग क्या योजना दिए हैं, जनता क्या योजना दिए हैं, घर घर जल योजना दिए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत कर दिए हैं, 1 रुपया रजिस्ट्री था पहले झारखंड सरकार वो बंद कर दिए, हेमंत सरकार जो आज से काम किए हैं, 5 लाख युवा नौकरी देंगे मैनोफेस्टो वाले थे, वो नौकरी नहीं दिए, ये सरकार देखवे कि क्या हो रहा है, बालू था 2000 बिकने था वो 6000 बालू बिक रहे हैं, कोयला में चोरी लूट मचा हुआ है, पत्थर देखे क्या हो रहा है, हेमंत सरकार क्या हुआ कैसे हुआ देखवे, सब जनता जान रह चुके हैं। अब भाजपा सरकार 60 साल से टुंडी विधानसभा भाजपा सरकार नहीं खेले हैं, अब टुंडी विधानसभा भाजपा सरकार खेलेंगे।